हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करने वाला हूं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यानी कि जब हम एक विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं अपने बच्चे का, तब अभिभावक को और विद्यार्थियों को जो प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। ये मेरा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेने जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कई समस्याओं को के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं मूल जो आज विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो है, एक तो एडमिशन को लेकर आपको क्या क्या समस्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने होते हैं और किस तरीके से उनको अरेंज करने होते हैं, और दूसरा है आपको स्कॉलरशिप का जो आप फॉर्म भरते हो विद्यालय के माध्यम से, 6 से लेकर कक्षा 10 तक जो विद्यार्थी होते हैं उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म विद्यालय से भरा जाता है और उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार आप क्या होता है, आपका नाम जो है आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में या बैंक के अंदर अलग रहता है और विद्यालय में अलग नाम चल रहा होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर आपका नाम एग्जैक्ट मिल नहीं पाता है और आप जो है स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। स्कॉलरशिप से आप वंचित नहीं रहे, इसके लिए आपको उन डॉक्यूमेंट्स में अपडेट करवाना होता है, आपका नाम और आपका आधार कार्ड नंबर, आपकी बैंक डिटेल्स, ये सारी आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करवानी होती है। तो इन सारी विषय पे मैं चर्चा करूंगा और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखते रहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और हम क्या क्या प्रॉब्लम इसमें फेस होती है। ठीक है, मैं आज बात करूंगा आपको सबसे पहले कि एडमिशन के लिए आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या चीजें आपको लेके जाने की जरूरत है और आपको उनको किस तरीके से अरेंज करना होता है, ताकि आप जब एडमिशन लेने जाओ, अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाओ या फिर विद्यार्थी को एडमिशन लेने जाता है, तो आपको इन प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत जाके ये सारी चीजें लेके जाइए, आपके एडमिशन प्रक्रिया में आराम से आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली चीज है आपको जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। ये सारी चीजें जो है आपको फोटोकॉपियां लेके जानी है, और टीसी और आई का जो फॉर्म होता है वो आपको मैं आपको आगे बताऊंगा किसकी फोटोकॉपी ले जानी है और कौन सा ओरिजिनल लेके जाना है। सबसे पहले आ गया हमारा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। उसके बाद होता है जन्म प्रमाण पत्र। अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहा है तो उसको जन्म प्रमाण पत्र जो कि बनता है उसे आपको लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी वहां पर लगानी है। ठीक है, अगला आता है टीसी। टीसी को आप हो सके तो सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि अभी जो एडमिशन होते हैं वो शाला दर्पण के माध्यम से होते हैं और टीसी ऑनलाइन जनरेट की जाती है। जब ऑनलाइन टीसी जनरेट होती है तो उसमें कोड डाल के वो एडमिशन प्रोसेस करते हैं, इसलिए आप टीसी को सबसे ऊपर रखिए ताकि आपका नाम और सारी डिटेल्स उसमें अच्छे से आ जाती है। ठीक है, और उससे ऊपर जो है आवेदन पत्र तो रखना ही है, उसके बाद में आप टीसी रखिए, टीसी के बाद में ये डॉक्यूमेंट लगाते रहिए। उसके बाद में क्या लगाना है आपको, पूर्व कक्षा की अंक तालिका की फोटोकॉपी, यानी कि प्रीवियस क्लास जो आपने अभी पढ़ी है उसकी फोटोकॉपी आपको इसमें लगानी है। इसके बाद में विद्यार्थी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको इसमें लगानी है। तो ये 5 आइटम हो गए। अगला है जन आधार की फोटोकॉपी। जन आधार कार्ड जो पहले भामाशाह कार्ड हुआ करता था, अब वो जन आधार कार्ड बन गया, तो उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। अगला आता है CWSN प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। CWSN क्या होता है, CWSN यानी कि जो भी हैंडीकेप्ड बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं विशेष नीड वाले, तो उनके लिए एक अलग से प्रमाण पत्र बनता है। यानी कोई सुन नहीं पाता है या फिर कोई देख नहीं पाता है या फिर कोई हाथ या पांव से अपाहिज है इस तरीके का, तो उनके लिए अलग से जो एक सर्टिफिकेट बनता है उसकी आपको फोटोकॉपी लगानी होती है। ठीक है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक। ठीक, अगला है BPL राशन कार्ड की फोटोकॉपी। आपका राशन कार्ड BPL है या फिर स्टेट BPL है तो आपको उसकी फोटोकॉपी इसमें अटैच करनी है। ठीक है, अगला आता है आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल बनाना है। ठीक है, ओरिजिनल आय प्रमाण पत्र आपको उसमें इनकम सर्टिफिकेट बना के देना है। वो सारी प्रोसेस का कैसे बनता है क्या है वो आपको ई मित्र से आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको फॉर्म वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अगली चीज आती है बैंक डायरी की फोटोकॉपी। आप अगर विद्यालय में 6 से 10 तक या फिर आप 6ठी क्लास में एडमिशन हो गया है तो आपको एक चीज तो आपको फिक्स कर लेनी है कि आपको बैंक में अकाउंट खुलवा देना है बच्चे का, और उसकी बैंक डायरी की फोटोकॉपी आपको विद्यालय में इनके साथ में लगाकर देनी है। ठीक है, और लास्ट चीज आती है माता पिता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें वापस मैं आपको बता देता हूँ, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, स्थानांतरण यानी टीसी की फोटोकॉपी, टीसी तो ओरिजिनल लगेगी
एक्चुअली टीसी की या फोटोकॉपी नहीं, टीसी ओरिजिनल लगेगी आपकी, ठीक है, और पूर्व कक्षा की अंक तालिका की फोटोकॉपी, उसके बाद विद्यार्थी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जन आधार कार्ड की फोटोकॉपी, सीडब्ल्यूएसएन प्रमाण पत्र अगर विशेष नीड वाला बच्चा है तो उसकी उस प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगेगी, यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड या स्टेट बीपीएल है तो इसकी फोटोकॉपी आपको देनी है, इनकम सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लगाना है, इसके अंदर बैंक डायरी की आपको फोटोकॉपी करा के देनी है, माता पिता के आधार कार्ड है तो उनकी भी आपको फोटोकॉपी करवा कर देनी है, ठीक है। तो ये थी एडमिशन प्रोसेस की बात, ठीक है, तो एडमिशन के अंदर आपको ये सारी चीजें लगानी है। अगली बात कर रहा हूं मैं आगे स्कॉलरशिप के बारे में, जैसा कि मैंने बताया आपको स्कॉलरशिप, आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप के अंदर आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं ताकि आपका प्रोसेस जो है इजीली हो जाए और आपको कोई परेशानी नहीं आए, आप इससे लाभान्वित हो सके, ठीक है। तो स्कॉलरशिप के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आपके लगने वाली है और उनको किस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी, ऊपर तो आवेदन पत्र आ ही जाएगा जो आपको विद्यालय से मिल जाएगा, इसके बाद आपको लगानी जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, अगला आएगा आपका पूर्व कक्षा की अंक तालिका की फोटोकॉपी, जो आपने प्रीवियस क्लास पास की है उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है, तीसरा आएगा विद्यार्थी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, अगर अब तक आपने नहीं बनवाया है तो आपको बिल्कुल पहली प्राथमिकता से आपको आधार कार्ड बनवाना है, इसमें नाम भी करेक्शन करवाना है, नाम कईयों के गलत होते हैं, घर पे जो हम नाम बोलते हैं वही नाम वहां पर लगा देते हैं आधार कार्ड के अंदर, तो वैसा नहीं करना है हमको, हमको क्या करना है जो हमारे विद्यालय में नाम लिखा हुआ है वही नाम हमारे राशन कार्ड आधार कार्ड जन आधार कार्ड बैंक में हर जगह वही नाम होना चाहिए, कई लोगों के ये मिस्टेक होती है, ठीक है। अगला देखिए अगली चीज क्या आएगी हमारी जन आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है, अगली आएगी सीडब्ल्यूएसएन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, मैंने आपको बताया था सीडब्ल्यूएसएन क्या होता है तो इसकी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, अगला है बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी, अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसकी राशन कार्ड की आपको फोटोकॉपी लगा देनी है, ठीक है। अगला आएगा आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगेगा, मैंने आपको बताया था कि इसको ओरिजिनल लगाना है, इसके बाद बैंक डायरी की फोटोकॉपी, यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होगी देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 इन चारों के अंदर क्या होना चाहिए, सेम नाम आना चाहिए जो कि किसके अंदर है, अंक तालिका के अंदर है, विद्यालय रिकॉर्ड में जो नाम चल रहा है वही इन चारों के अंदर आना चाहिए, तभी आपका ऑथेंटिकेशन सही से हो पाएगा, आपको स्कॉलरशिप अलॉट हो पाएगी, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, कई बार हम क्या अब किसी का नाम जैसे कि कल्लू राम है, ठीक है, तो घर पे बोलते हैं उसको कालू कालू करके बोलते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कालू, ठीक है, और विद्यालय में नाम चल रहा है कल्लू राम, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा। अब किसी का नाम है रामलाल, रामलाल है, ठीक है, विद्यालय में नाम रामलाल है और वहां पर उसको कुछ और नाम से बोलते हैं, ठीक है, तो वही नाम आप उसमें आधार कार्ड में लिख दोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है, दोनों मैच नहीं कर पाएंगे इस कारण से। तो कई सारी अशुद्धियां है आपको, उनको अब क्या करना है क्लियर कर देनी है, ऑथेंटिकेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसलिए इसको अपडेट करवा देना है, यानी कि जो अंक तालिका के अंदर जो भी विद्यालय में नाम चल रहा है वही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, वही जन आधार कार्ड में होना चाहिए, वही बैंक की डायरी यानी बैंक में होना चाहिए, यहाँ पे अपडेट होगा तो बैंक में भी अपडेट करवा देना है तभी आपको स्कॉलरशिप की राशि मिल पाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं सॉल्यूशन की ओर चलता हूँ, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, इस चीज को आप अच्छे से समझना सॉल्यूशन इसका किस तरीके से होगा, यानी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपको सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, इस स्लाइड्स को आप अच्छे से देखिए एनिमेशंस को कि किस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको प्रोसेस करनी है अपडेट, अगर आपकी ये सारी अशुद्धियां है बैंक में नाम अलग आ रहा है तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है डॉक्यूमेंट लेके ई मित्र पर, कहाँ जाना है आपको, ई मित्र की दुकान पर जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे आप, आपको ले जानी है मार्कशीट ले जानी है स्कूल से, जो आपको मार्कशीट प्रीवियस क्लास की मिली है वो मार्कशीट लेके, आधार कार्ड लेके, जन आधार कार्ड लेके और बैंक की डायरी लेके, यानी क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है ई मित्र पे, आपको लेके जाना है ई मित्र पे क्या क्या चीजें अपडेट करवाने के लिए जो आपको चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको क्या क्या चीजें अपडेट करवानी है मैं आपको बता रहा हूँ। ई मित्र पर जाकर आपको निम्नलिखित अपडेट करवाने हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो ये काम आज ही होना चाहिए, कब होना चाहिए आज ही होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें देखिए,
आपको सबसे पहले अपना नाम और जन्म तारीख क्या अपडेट करवानी है, नाम और जन्म तारीख यानी आपका नाम क्या है, जो स्कूल में क्या है और आधार कार्ड में क्या है, एक बार आप उस उठा के देखिए आपने नाम क्या क्या लिख रखा है, और जन्म तारीख एग्जैक्ट होनी चाहिए, सही साथ होनी चाहिए, जो है वही होनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये चीज आपको देखनी है, आपका नाम और जन्म तारीख। अगली चीज देखिए, अगली क्या, बैंक खाता संख्या। बैंक खाता संख्या किसमें, जन आधार कार्ड में आपकी बैंक खाता संख्या अपडेट होनी चाहिए। आप ई मित्र पर ले जाइए, आप बोलिए बैंक खाता संख्या अपडेट करनी है, वो तुरंत कर देगा। ठीक है, अपना नाम और जन्म तारीख अपडेट करनी है, वो तुरंत कर देगा। आप आधार कार्ड में कराइए, उसके बाद आपको आधार कार्ड ऐड करवाना है अगर नहीं है तो, और अपडेट करवाना है उसे, क्या करवाना है, अपडेट करवाना है। अपना नाम और जन्म तारीख और बैंक खाता संख्या आपको ऐड करवानी है और अपडेट करवानी है आधार कार्ड संख्या। ठीक है, आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लेकर जाने हैं वहां पे, तो देखिए आवश्यक दस्तावेज जो आपको लेके जाने पड़ेंगे वो है, एक तो आधार कार्ड ले जाना होगा आपको, और एक विद्यालय से जो प्रीवियस मार्कशीट है आपकी वो एक मार्कशीट लेके जानी है। अगर आप 8वीं 5वीं 10वीं 12वीं कोई सी बोर्ड दी हो तो बोर्ड की मार्कशीट ले जाइए, अन्यथा पिछली क्लास की मार्कशीट ले जाइए और उसके आधार पर आप अपडेट करवाइए। बोर्ड की ज्यादा ऑथेंटिक होती है, 5वीं अगर बोर्ड दी है तो 5वीं की ले जाइए, 8वीं दी है तो 8वीं की ले जाइए। ये कार्य आपको छठी से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सभी को करना है। ठीक है, अगला है बैंक खाता की पासबुक ले जानी है, क्योंकि आपको क्या करना है, बैंक खाता उसमें ऐड करवाना है जन आधार कार्ड के अंदर। ठीक है, जन आधार कार्ड में अगर बैंक खाता ऐड होगा तो ये ऑथेंटिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी और आपकी स्कॉलरशिप सीधे आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभिभावकों और विद्यार्थियों को आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें समझ में आई है अच्छे तरीके से, और क्या क्या अपडेट आपको करवाने हैं आपको पता चल गया है। यानी कि मैं एक बार फिर रिवाइंड कर देता हूँ आपको, स्कॉलरशिप अपडेट कराने के लिए स्कॉलरशिप अगर आपको पानी है तो आपको सरकारी विद्यालयों में एडमिशन लेना होगा, और एडमिशन लेने के बाद मैंने जो दस्तावेज बताए हैं वो सारे आपको लगाने होंगे, और उनके बाद स्कॉलरशिप का आवेदन करना है, जिसकी डेट अब बस करीब आ चुकी है लास्ट डेट, और आपको आज ही ये काम करवाने हैं, जो कि कई बच्चों के अपडेट नहीं होते हैं, उन चीजों को अपडेट करानी है, जैसे कि आधार कार्ड में नाम और जन्म तारीख, और जन आधार के अंदर हमें अपना नाम, विद्यार्थी का, उसके पेरेंट्स का नाम, उसकी जन्म तारीख और खाता संख्या और आधार कार्ड संख्या ऐड करवानी है जन आधार कार्ड के अंदर। ठीक है, और बैंक के अंदर, बैंक में जाकर अपना नाम सही करवाना है, जो विद्यालय की मार्कशीट के अंदर लिखा होगा वही नाम आपको सही जगह करवाना है, हर जगह पे, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे बैंक हो, चाहे जन आधार हो, चाहे राशन कार्ड हो, इन चारों जगह पे आपको अपने नाम एक्यूरेट करवाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, हैव अ नाइस डे।